नकली आदमी बनाकर लगाते हैं जब फसल तैयार होती है तो हम वहाँ पे लगाते हैं इसलिए कि चिड़ियाँ वग़ैरह हमारी फसल को ख़राब ना करें तो सोच स पोतुल बन लागान नकली तथ मिसन पमीज वमीज़ थ दास् मा मकाई माता ताकि तरकाव खेन ना क्या फसल बचा मूजूब दैट इज़ कॉल्ड द स्कर क्रो एंड इट इज़ रिटन बाय सत्यजीत रे द ग्रेट राइटर इन इंडिया नाव ही इज डेड लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि सत्यजीतरे एक बड़े राइटर ही नहीं रही है, रहे हैं बल्कि एक फिल्म मेकर रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी और कुछ दूसरी अवार्ड विनिंग फिल्म इन्होंने बनाई हैं तो जिनमें एक सोशल मैसेज होती थी हमेशा समाज को सुधारने के काम किए हैं इन्होंने नाव द दस केयर तो इनकी एक स्टोरी है तो हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है लेकिन स्टोरी सुनने के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है वी हैव टू लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ लैंग्वेज ंग्स दैट्स वी आर एक्सपेक्टेड लर्न फ्रॉम दिस टेक्सट मृगेनको बाबू मृगेन्को बाबू सस्पेशंस वेयर कन्फर्म्ड जस्ट एज देर अबाव टू रीच पन्ना गढ़ तो मृगैनको बाबू हमारे जो प्रतोगास्ट हैं हीरो हैं हमारी स्टोरी के बाबूज सस्पेश वेयर कन्फर्म्ड तो उनको उनका जो शक था सस्पेशंस शक वे कन्फर्मड वो यकीन में बदल गया जस्ट एज दे वो रीद पन्नागढ़ अब वो पन्नागढ़ जो उनके रास्ते में एक छोटा मोटा गांव है या टाउन है वहाँ पहुँचने वाले थे हिज कार रन आउट ऑफ पेट्रोल इनकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया रन आउट एक ही वर्ड है मीन्स रन आउट रन आउट रन आउट रन आउट मतलब ख़त्म हो जाना इनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया द पेट्रोल गेज जी ए यू जी ई रीड इट गेज नॉट बीन फंक्शनिंग प्रॉपरली वाइल तो इनका जो गाड़ी का जो मीटर है जो ये दिखाता है कि कितना फ्यूल है गाड़ी में तेल कितना है वो काम नहीं कर रहा था इसलिए इनको धोखा लगा ही एयर पॉइंटेड दिस आउट हिज ड्राइवर सुधीर uh, तो ऑलरेडी इसने सुधीर को बताया था मरी गैनको बाबू ने अपने ड्राइवर सुधीर उनका ड्राइवर है उसको बताया था पॉइंटेड आउट मतलब उसने उसकी तरफ इशारा किया था सुधीर बिफोर दे सैट आउट हीज़ दिस मॉर्निंग तो आज सुबह जब वो सफ़र के लिए निकले घर वापस आने के लिए तो uh, इसने सुधीर को बताया था अमरीगन को बाबू ने कि गाड़ी में शायद पेट्रोल नहीं है बट <coughs> सुधीर हैड पेड नो अटेंशन लेकिन उसे कोई तवज्जा नहीं दी अटेंशन तवज्जा अटेंड अटेंडेड अटेंडेड वर्ब है एंड वन यू मेक नाउ इट बिकम्स अ देर हैड इन फैक्ट बीन लेस पेट्रोल इन द टैंक दैन द गेज हैड शोन तो असल में गाड़ी में पेट्रोल टैंकी में उससे भी कम था जितना गेज दिखाती थी, थी क्योंकि गेज खराब थी उसने गलत पेट्रोल दिखाया वट आर यू गोइंग टू ड्यू नाव मृगैन को बाबू आस्कर अब उसने अपने ड्राइवर को पूछा क्योंकि गाड़ी रुक गई कि अब तुम क्या करोगे क्या बनेगा तेल का आई एल वॉक टू पन्ना गार्ड एंड कम बैक विद मोर पेट्रोल सुधीर प्लाई तो सुधीर ने जवाब दिया अपने मालिक को मरीजन को बाबू को कि मैं जा रहा हूँ पन्नागढ़ जाऊँ आई वॉक टू पन्नागढ़ मैं चल के जाऊँ आई आई मतलब आई विल वॉक टू पन्नागढ़ तक मैं जाऊँगा पैदल तो फिर वहाँ से पेट्रोल लेकर आऊँगा हाउ फॉर इज पन्नागढ़ तो आ, मालिक पूछते हैं सुधीर से ड्राइवर से कि कितना दूर है अबाउट थ्री माइल्स तो वो कहने लगा लगभग थ्री किलोमीटर्स हैं थ्री थ्री माइल्स माइल किलोमीटर से ज़्यादा होता है <coughs> नाउ कम टू पेज नंबर थर्टी फोर ऑफ़ योर टेक्स्ट दैट मीन्स आई मस्ट वेट हेयर फॉर एटलीस्ट टू एंड हाफ आवर तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तकरीबन यहाँ पर इंतज़ार करना होगा ढाई घंटे तक It's all uh, your fault. ये सब तुम्हारी गलती है It's short form है It is. It means it is all your fault. तुम्हारी गलती है What am I going to do? तो मैं क्या करूँ इस दौरान इतनी देर तक मैं यहाँ क्या करूँगा हैव यू थॉट ऑफ दैट ये दो ढाई घंटे मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगा कैसे रुकूंगा मैं क्या करूँगा मैं हैव यू थाट फास्ट एंड साफ थिंक थिंक थाट थाट मृगैनको बाबू वॉज एन एमिएबल मैन तो एमिएबल मतलब एक अच्छे गुड नेचर पर्सन थे मृगैनको बाबू बहुत अच्छा नेचर था उनका ही डिड नॉट यूजली स्नैप एट हीज ड्राइवर और सर्वेंट्स वो अक्सर अपने ड्राइवर्स या नौकरों को तंग नहीं करते थे उनको झड़कते नहीं थे यानी उन्हें बेजती नहीं करते थे बट द दॉट ऑफ सिटिंग लोन इन हिज कार फॉर मोर दैन टू आवर्स इन द मिडल ऑफ नो हिम इिटेबल लेकिन इस वक्त उनको भी गुस्सा आया इरीटेट हो गए वो मतलब गुस्सा आया कि मैं यहाँ दो ढाई घंटे तक इसकी बेवकूफ़ी की, की वजह से पड़ा रहूँगा इस जंगल में वीराने में तो ये अच्छी बात नहीं है वेल यू वुड बेटर लीव बेहतर है तुम चले जाओ

कैन वी मेक इट बैक टू कलकत्ता बाई एट टू क्लॉक क्या हम कलकत्ता वापस पहुंच जाएंगे आठ बजे तक इट्स नाउ हाफ पास थ्री इस वक्त तकरीबन साढ़े तीन बजे हाफ पास थ्री साढ़े तीन बजे है. oh, yes, we'll तो हैं और सर वील सेटनली बी बैक बाय एट तो ड्राइवर बताते हाँ हाँ हम ज़रूर वापस पहुंच जाएंगे आठ बजे तक हेयर इज द मनी फॉर द पेट्रोल तो मरीगिन को बाबू पेट्रोल के पैसे पेट्रोल के लिए पैसा देते हैं ड्राइवर को डोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन आइंदा इस तरह की गलती मत करना यू मस्ट नवर टेक सच ए रिस्क ऑन ए लॉन्ग जर्नी तो लंबे लॉन्ग जर्नी लंबे सफ़र में इस तरह की रिस्क नहीं लेनी चाहिए यानी गाड़ी में पूरा पेट्रोल होना चाहिए गाड़ी पूरी तरह तैयार होनी चाहिए तो ये हमने देखा है मानी फॉर द पेट्रोल तो इन्हों तो पेट्रोल देते हैं जर्नी जर्नी मीन ज़मीन पर से जो सफ़र किया जाए गाड़ियों में या पैदल देते कैन से जर्नी तो जब हम जहाज़ में सफ़र करते हैं इट इज़ फ्लाइट तो अगर समुंदर में हो समुद्री जहाज में दैन इट्स वो याच सुधीर टुप्त मनी एंड लेफ्ट फॉर पन्ना घाट तो so, सुधीर ने पैसा लिया तो चला गया पेट्रोल लाने के लिए पन्ना घाट तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ द फर्स्ट क्लिप फॉर यू इट विल बी फॉलोड बाई नेक्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ तो जितनी भी क्लिप्स हमें बनानी पड़े लेकिन ज़्यादा लंबी क्लिप्स डाउनलोड या अपलोड नहीं होती हैं इसलिए मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा आपको बट प्लीज़ गो थ्रू द नेक्स्ट अदर क्लिप्स फॉलो विच आर फॉलोइंग एंड दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड दैट विल बी फॉलोड बाई द एक्सरसाइज क्वेश्चन